वन प्लस नॉट टू टी। हाँ गाइज, यहाँ पे वन प्लस की तरफ से वन प्लस का नॉट टू टी आने वाला है, और इस पर हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में कि यहाँ पे वन प्लस का नॉट टू टी कब आ रहा है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपने नहीं किया है। इस वीडियो में आप लोग को बहुत ज़्यादा बढ़िया डिटेल्स देखने मिलने वाली हैं, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, यहाँ पर वन प्लस अपना नॉट टू टी को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर लोगों पर एक क्रेज़ बना चुका है, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे हैं स्मार्टफोन की। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले स्पेसिफिकेशन में, देन बाद में बात करेंगे प्राइस एंड लॉन्च डेट में। तो अगर मैं बात करता हूँ इस फोन की, यहाँ पर बिल्ड डिज़ाइन में सबसे पहले आता हूँ, तो यहाँ पर जो बिल्ड डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको देखने मिल जाने वाला है इस बार। और आप कह सकते हैं डिज़ाइन के मामले में फोन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब वन प्लस का टिपिकल डिज़ाइन ही दिया गया है, बट कैमरा सेटअप बहुत ज़्यादा बढ़िया दिया गया है, जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिखाता है। एंड डिज़ाइन के मामले में आप कह सकते हैं फोन अच्छा लगता है। डिस्प्ले में अगर हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो डिस्प्ले आपको इस बार मिल जाता है 6.55 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो एक एमोलेड पैनल है, और यहाँ पर आपको जो वो साइड पंचोल मिल जाती है। 120 रिफ्रेशिंग रेट नहीं दिया गया, 90 रिफ्रेशिंग रेट दी गई है, बट इस प्राइस में दे देना था 120, बट नहीं दिया है। बट डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होने वाली, बस ये थोड़ा सा एक मिसिंग पॉइंट रहेगा। चलिए चिपसेट में आ जाता हूँ। चिपसेट में आपको डायमेंसिटी का जो है वो 1300 वाला चिपसेट मिल जाता है। ये अच्छा किया कि इम्प्रूव किया है भाई, वरना पता चलता पुराना वाला चिपसेट दे देते डायमेंसिटी का 1200, बट यहाँ पे आपको 1300 वाला मिलता है, जो परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो अराउंड बहुत अच्छी हो जाने वाली है। गेमर हो तो कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है, देन हैवी टास्क भी करते हो मोबाइल में, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो ये अच्छा है। चलिए कैमराज में अगर हम बात कर लेते हैं, तो मेन कैमरा जो आपको 50 पिक्सल का देखने मिल जाता है, सोनी का सेंसर होगा होपफुली, देन आपको YS का सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे रियर से, देन अल्ट्रा वाइड डेप्थ सेंसर भी मिल जाएगा। सेल्फी में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 16 पिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी, वहाँ से 1080 में वीडियो बना पाओगे। तो आप कह सकते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में मुझे अच्छा काम लगा, अच्छी बात है यहाँ पर। चलिए बैटरी में आ जाता हूँ, तो 4500 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, प्लस टाइप सी एंड 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग आपको बॉक्स के अंदर शायद मिल जाए। देखिए अभी कन्फर्म नहीं है बॉक्स का जो है ना, अभी कन्फर्म नहीं है कि बॉक्स में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मगर 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी और 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी। चलिए ठीक है, बैटरी थोड़ी कम है, बट 80 वोल्ट देकर ना उसे थोड़ा सा कवर अप कर दिया है। चलिए UI में बात कर लेते हैं, तो कलर OS के साथ चाइना में गया है, बट इंडिया में आपको ये ऑक्सीजन OS के साथ ही मिलने वाला है, टेंशन मत लेना। और ये है पूरा यहाँ पर वन प्लस की तरफ से, वन प्लस का नॉट टू टी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे फ़ोन। अब मैं फाइनली बात कर लेते हैं प्राइस एंड लॉन्च के बारे में। तो इस फोन का जो प्राइस कहा जा रहा है इंडिया के अंदर, अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो इंडियन प्राइस इसकी बोला जा रहा है अराउंड 28 से स्टार्ट हो सकता है, 28-29 हज़ार रुपये इंडिया में स्टार्ट हो सकता है। देन जो आगे वाला वेरिएंट रहेगा वो अराउंड 32,000-33,000 का होगा, 12 GB 256 GB, तो वो महंगा ही होगा। बट हाँ, अगर 8 GB 128 की बात करता हूँ, तो 28-29 हज़ार रुपये में स्टार्ट हो सकता है। मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, अगर 25 हज़ार में आता तो मज़ा आ जाती, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पर नॉट सीरीज़ में ना ऑफर्स भी इतने नहीं होते, दैट्स व्हाई मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। चलिए फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके लिए, फाइनली अब बात कर लेते हैं लॉन्च के बारे में। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसी के लिए वीडियो देखा है, बात कर लेते हैं। चलिए तो गाइज़ यहाँ पर ये जो है लॉन्च, इसकी अगर मैं बात करता हूँ, तो ये आप लोगों को मिलने वाली है जून के एंड में या तो जुलाई के मंथ में। मुझे पता है मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आप लोगों को कहा है कि जून के मंथ में आएगा, जून के मंथ में आएगा, बट मैं आपको एक बात कह दूँ क्लियरली कि भाई वन प्लस अपना यहाँ पर भरोसेमंद इतना नहीं है, मतलब लॉन्च को लेकर। क्योंकि मुझे याद है वन प्लस का 9RT पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुआ था चाइना में, इंडिया में आते आते उसको महीने लग गए। हाँ, तो मतलब भाई इतना वीडियोस मैंने बनाए, इतने वीडियोस बनाए, आप लोगों ने तो बहुत सपोर्ट दिया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे थे बहुत सारे, तो बहुत सारे लोग का तो मैंने बहुत सारे लोग ने फ़ोन दूसरे ले लिए क्योंकि 9RT आई नहीं। तो ये थोड़ा वन प्लस का मुझे लगता है इम्प्रूव करना चाहिए उनको, भाई इतने लोग वेट कर रहे हैं आपके स्मार्टफोन के लिए लेने के लिए, और आप जो हो भाई लेट पर लेट कर रहे हो, ये सही नहीं है। पिछले बार जो पहले का वन प्लस के जो CEO थे, जो आज नथिंग ब्रांड चला रहे हैं भाई, वो सही थे, वो बहुत ज़्यादा जल्दी फ़ोन आ जाते थे और सही टाइम पर सब काम होता था। बट अभी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वन प्लस यहाँ पर थोड़ा सा गलत काम कर रहा है। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर से बता देना। एंड फाइनली बात कर लेता हूँ अब लॉन्च के बारे में, तो जून के एंड कह रहा हूँ बट कन्फर्म नहीं है, जुलाई में मगर मिल ही जाएगा, ज़्यादातर चांसेस यही है जुलाई के महीने में आपको यहाँ पे वन प्लस की तरफ से वन प्लस नॉट टू टी इंडिया के अंदर देखने मिल जाएगा। तो बढ़िया यार, क्योंकि भाई देखिए मुझे लगता है जल्दी लॉन्च कर दो भाई, वन प्लस नॉट थ्री भी तो आपको लाना है इसी साल। तो कमेंट कर बताओ लेने वाले हो नहीं लेने वाले हो, पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। हम कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए ऐसे ही डेली वीडियोस बनाने के लिए, कम से कम एक वीडियो तो हमारे चैनल पर आए डेली, हमारी पूरी कोशिश रहती है। एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।